वहीं बिहार में जेडीयू और आरजेडी की मिली जुली सरकार ने बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बीजेपी ने इसे बांटो और राज करो की सियासत करार दिया। बिहार की सियासी चिंगारी यूपी में आग लगा रही है। कुल मिलाकर 2024 से पहले जाति की सियासत ने सियासी घमासान मचा दिया है। संत रविदास ने कहा था, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपार, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात पुजा। यानी किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में सब ईश्वर की संतान है, कोई जाति छोटी या बड़ी नहीं है। लेकिन राजनीति अपनी सुविधा से चलती है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की मिलीजुली सरकार ने आज बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। मोटा आंकड़ा यह है कि बिहार में 82% हिंदू हैं, 17% मुसलमान हैं और 1% बाकी धर्म के लोग हैं। लेकिन जातीय जनगणना ये बताने के लिए थी कि लोग कितनी जातियों में बटे हैं, किस जाति की कितनी तादाद या ताकत है। इस हिसाब से ओबीसी यानी पिछड़े और अति पिछड़ों की तादाद सबसे ज्यादा यानी 63% है। एक सॉलिड वोट बैंक जिस पर आजकल सबका फोकस है। आंकड़े जारी करने के बाद नीतीश कुमार सामने आए, इसे बड़ा काम बताया और कहा कि आंकड़े आ गए हैं, अब हर जाति से न्याय होगा। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार के लिए करना होगा और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम, सभी जातियों का नेम कर रहे हैं, एक भी बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। आंकड़े बिहार में जारी हुए, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, लिहाजा यूपी में भी सियासी दलों ने जाति की सियासत को धार देनी शुरू कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय का गणतीय आधार है। भाजपा सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए। जब लोगों को ये मालूम पड़ता है कि वो गिनती में कितने हैं, तब उनके बीच एक आत्मविश्वास भी जागता है और सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ एक सामाजिक चेतना भी। इससे समाज बराबरी के मार्ग पर चलता है और समेकित रूप से देश का विकास होता है। जातिगत जनगणना देश की तरक्की का रास्ता है। अब यह निश्चित हो गया है कि पीडीए ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। वहीं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने भी बिहार की जातिगत जनगणना के बहाने अपनी पुरानी मांग को दोहरा दिया और जाति की सियासत के हिमायती बनते नजर आए। राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्राण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी इस मुद्दे को धार देने में जुटा है। चुनावी मौसम में जाति की सियासत करने वाला हर नेता अपना दांव आजमा लेना चाहता है। एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने भी जातीय जनगणना की मांग को जायज ठहरा दिया है। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। हालांकि पीएम मोदी ने जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, कहा वो पहले भी समाज को बांटते थे और आज एक बार फिर देश को जातियों में बांटकर विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी
वही पाप कर रहे हैं, वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। तो क्या जातीय जनगणना के पीछे यही राजनीति है, जैसा कि मोदी का आरोप है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो और राज करो? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।